हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल एग्जाम आपको बुक करना होगा, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, तो किस तरह आप बुक करेंगे, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो सारी डिटेल मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आप मेडिकल एग्जाम बुक किस तरह कर सकते हैं। गाइस, आप मेडिकल टेस्ट किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर पर जाके बुक नहीं कर सकते, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ जिनका टाई अप है, आप वहीं से ऑथराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर पे ही जाकर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो उसकी लिस्ट आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो गाइज, मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। सो गाइज, आपको मेडिकल एग्जाम कैनेडा सर्च करना होगा गूगल पर, उसके बाद आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड पैनल फिजिशियन, आप यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपने जब अपनी कंट्री सेलेक्ट करी तो आपकी कंट्री में जितने भी मेडिकल सेंटर ऑथराइज हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो अब आप अपना शहर सेलेक्ट करिए और अपनी लोकेशन देखिए, कौन सा आपको पास पड़ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर उनसे कांटेक्ट करना है, जैसे ये अहमदाबाद का है अपोलो हॉस्पिटल, तो यहाँ पे उन्होंने फ़ोन नंबर अपना दे रखा है, आप कॉल पर ही अपना मेडिकल टेस्ट बुक करा सकते हैं। और हो सकता है कि किसी और शहर में फ़ोन नंबर ना हो, वेबसाइट हो, तो आप वेबसाइट पे बुक करा सकते हैं। तो ये आपको अपने शहर के हिसाब से देखना होगा और आप बुक कर लीजिए, उसके बाद आप अपना मेडिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो गाइस, सेकंड पॉइंट है हमारा कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपको कैरी करना होगा। गाइस, ये तो आपको हर जगह लेके जाना होगा। और इसके बाद पासपोर्ट की फोटोकॉपी, यानी कि कलर फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। मैं आपसे ये बोलूँगा, आप पहले से करा के लेके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है हॉस्पिटल में तो आप फोटोकॉपी कर नहीं पाएंगे आप, और हो सकता है हॉस्पिटल के आसपास भी कोई फोटोकॉपी शॉप ना हो, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इसलिए आप पहले से ही फोटोकॉपी लेके जाइएगा। तीसरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है कॉलेज का ऑफर लेटर, आप लेके जाइएगा। अगर आप स्टूडेंट वीजे पे जा रहे हैं तो आपको ऑफर लेटर लेके जाना होगा। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स थे, ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको जरूरत नहीं होगी। सो गाइस, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में अपना एग्जाम बुक कराया था। सबसे पहले जब मैं गया तो मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट मैसेज दिखाया। मैंने अपना मेडिकल एग्जाम फोन पर ही बुक करा था, उन्होंने मुझे फोन पे डेट दी और मैं वहां पर चला गया। मैंने अपना अपॉइंटमेंट मैसेज उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला। फिर 10-15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अब आप इस डिपार्टमेंट में चले जाइए। तो मैं वहां गया, काउंटर पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए, तो उन्होंने बोला कि आप पहले ये फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म में नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांग रहा होगा, आपको वो सारे फॉर्म भरने होंगे। वो भरने के बाद आप फीस जो है अपनी पे करेंगे। फीस पे करने के बाद आपको वो बोलेंगे वेट करने के लिए। तो जैसे ही आपका नाम बुलाया जाएगा तो आपको जाना होगा, और पहले सबसे पहला जो है वो आपका फोटो, हाइट, वेट आपका चेक किया जाएगा। तो उसके बाद आपका आई टेस्ट और बीपी चेक होगा। उसके बाद वो आपको एक्सरे रूम में भेजेंगे जहां पर आपका चेस्ट एक्सरे होगा, और चेस्ट एक्सरे के बाद आपको वो दूसरी जगह भेजेंगे जहां पर आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होगा। गाइस, यूरिन सैंपल के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले से पानी पीना शुरू कर दीजिएगा, वरना फिर आपको हो सकता है वेट करना पड़े। तो पानी आप जब आप हॉस्पिटल में जाएं तभी से शुरू कर दें, ताकि यूरिन सैंपल देने में आपको टाइम ना लगे। और सबसे आखिर में आपको डॉक्टर के यहाँ विजिट करना होगा। डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था, या इस तरह के और भी क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। उसका आंसर आपको ऑनेस्टली करना होगा। उसके बाद बस आप फ्री हो गए। उसके बाद आप काउंटर पर जाएंगे, वहां पर आपको ई मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और ये ई मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये जो होगा ये आपको अपने एजेंट को देना होगा। फिर वो जब आपका वीजा अप्लाई करेंगे तो वो वहां पर ये सबमिट करेंगे। सो गाइस, अगर आप इस मेडिकल एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपके पास कोई ईमेल, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आएगा। अगर बाय चांस आप मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो ही आपके पास कोई मैसेज या ईमेल आएगा, अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट जो है वो सीधा एम्बेसी को चला जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से मेडिकल एग्जाम आपका हो जाएगा। बस यही कहूंगा कि मेडिकल की जो डेट है वो आप थोड़ा पहले से बुक कराएं, क्योंकि कभी कभी जो है वो डेट्स फुल होती हैं, तो उसमें फिर आपको
वेट करना पड़ता है। सो गाइस मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ।